आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान में SBI पर्सनल लोन पर क्या इंटरेस्ट चार्ज करता है। लोन लेने से पहले इंटरेस्ट रेट जानना अपनी पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसी से आपकी EMI या इंस्टॉलमेंट निर्धारित होती है और इसी से पता चलता है कि इस लोन के बदले आप कितना ब्याज बैंक को पे करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हाल ही में RBI ने अपना बेस रेट चेंज किया है और इसी के कारण डिफरेंट बैंक्स ने भी अपना बेस रेट चेंज कर दिया है। और इसी क्रम में SBI का जो बेस रेट है, जिसे MCLR कहा जाता है, जो कि SBI के पर्सनल लोन से जुड़ा हुआ होता है, उसे भी बैंक ने रिवाइज किया है। इस वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले इंटरेस्ट रेट 15/12/2022 से प्रभावी होंगे। तो सबसे पहले बैंक की एक्सप्रेस क्रेडिट, जो मोस्ट पॉपुलर पर्सनल लोन स्कीम है, इसके बारे में बताएं। अगर आप इस स्कीम के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आप SBI से पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो इसके लिए हमने एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया है। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें एक्सप्रेस क्रेडिट में जो डिफेंस पर्सोनल्स हैं या सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड पुलिस और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं या ऑफिसर्स हैं, उसके लिए जो बेस रेट है MCLR, उससे 2.40% अबव इंटरेस्ट रेट लगता है। यानी कि इनके लिए जो पर्सनल लोन है 10.90 से शुरू होता है, 10.90% से ये शुरू होता है। तो यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक ठाक है, जो कि मान के चला जाता है कि डिफेंस, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो एम्प्लॉई हैं, इनका सिबिल स्कोर जनरली अच्छा रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो 10.90 ही चार्ज होगा। अब चूंकि MCLR आया है, तो MCLR के बारे में मैं आपको बता दूं, MCLR स्टेट बैंक का बेंचमार्क है, जिसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग कहा जाता है। ये स्टेट बैंक का वो बेंचमार्क है कि जिससे नीचे स्टेट बैंक पर्सनल लोन कभी दे ही नहीं सकता। आप देखेंगे इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, SBI हाइक्स MCLR रेट बाय 25 BPS, यानी कि 0.25%। इसका मतलब है, अब जब भी स्टेट बैंक MCLR हाइक करता है, बढ़ाता है, तो MCLR बढ़ने के साथ साथ आप यहां देख पाएंगे, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो MCLR से लिंक है, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो EMI में इंटरेस्ट का पोर्शन बढ़ जाता है, आपकी इंस्टॉलमेंट में, आपकी किस्त में ब्याज की राशि बढ़ जाती है, जिससे कि आपकी किस्त बड़ी होने लगती है। और इसी के साथ अगर MCLR कम होना शुरू हो जाए, तो आपकी किस्त जो है, इंस्टॉलमेंट जो है, वो छोटी होने लगती है। जनरली जो बैंक है वो अपनी बेस रेट MCLR तब बढ़ाते हैं जब RBI अपनी बेस रेट रिवाइज करता है। जैसे जैसे RBI अपनी बेस रेट बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्जा लेना महंगा हो जाता है। तो चूंकि बैंक महंगे रेट पर कर्जा लेते हैं, तो उसी पैसे को वो मार्केट में लेंड करते हैं, तो उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। आगे हम देखते हैं एक्सप्रेस क्रेडिट। हमने डिफेंस के बारे में देखा अभी कि 8.50 बेस रेट है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10.90 से शुरू होगा। मोस्ट प्रोबेबली यही इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। दो तरह की फैसिलिटीज हैं, टर्म लोन और OD। तो टर्म लोन में 10.90, लेकिन अगर आप OD फैसिलिटी लेंगे तो OD में आपको 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। OD में जनरली एक लिमिट बन जाती है, जैसे कि आपकी कोई सपोज 10 लाख का आपने लोन लिया, टर्म लोन में तो आपकी एक फिक्स इंस्टॉलमेंट हो गई, जैसे 20 हज़ार, तो वो हर महीने आप जमा करवाते रहेंगे। लेकिन OD में क्या है, एक लिमिट बन गई 10 लाख, इसमें आप जब चाहे पैसा जमा करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपके पास सरप्लस पैसा आएगा तो आप 10 का 10 लाख एक साथ जमा करवा सकते हैं, और दूसरे केसेस में आप सारा अवेल कर सकते हैं और
एक ईएमआई के बराबर हर महीने जमा करवाते रहेंगे और आपकी ओडी लिमिट कम होती चली जाएगी। क्योंकि ये डिफेंस के लिए था, इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस, रेलवे और दूसरे ये जो सीपीएससी सेक्टर हैं तो इनके लिए भी वही इंटरेस्ट रेट 10.90 ही चार्ज करता है टर्म लोन के लिए। इसी तरह से कॉरपोरेट्स है, कॉरपोरेट्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट होता है, इसको थोड़ा रिस्कियर माना जाता है बैंक की टर्म्स में, तो इसको 11.90% जो है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है बैंक। इसके अलावा एक्सप्रेस क्रेडिट इलीट स्कीम है, इलीट स्कीम में भी 10.90 से ही इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। एक्सप्रेस क्रेडिट लाइट स्कीम है, इसमें इस स्कीम के अंडर जनरली 1% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। और इसी तरह से क्विक पर्सनल लोन है, जो कि जो गवर्नमेंट पोर्टल है लोन का, 59 मिनट्स में जो लोन करना है उस पर 0.25% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया जाता है जनरल एक्सप्रेस क्रेडिट के तुलना में। एक्सप्रेस क्रेडिट इंस्टा टॉपअप की बात करें थोड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, 12% है। पेंशन लोन स्कीम्स की बात करें तो SBI पेंशन लोन स्कीम 11.05% पे पेंशन लोन ऑफर करता है, जय जवान पेंशन लोन भी 11.05, तो मोस्टली सारे पेंशन लोन जो है 11.05% पर ही आपको लोन ऑफर करते हैं। तो ये था सारा जो प्रेजेंटली SBI इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। जनरली मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि SBI में होने वाले अधिकतम लोन एक्सप्रेस क्रेडिट लोन की श्रेणी में ही आते हैं। जनरल एक्सप्रेस क्रेडिट पर हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिफेंस, इनको सबको 10.90% इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करता है। इस इंटरेस्ट रेट पर आपकी ईएमआई कितनी बनेगी, इस एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है। आप वहां पर इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, वर्तमान में जो इंटरेस्ट रेट है उससे आप अपनी इंस्टॉलमेंट या ईएमआई किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में आप जान सकते हैं, और आप ये भी जान सकते हैं कि आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।